हे एवरीवन, दिस इज सोनिया जॉयस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम वीडियो देख रहे हैं फिर से सीबीए रिवाइंड पार्ट रिवाइंड 8। टिंडर पता चल गया रसोड़े में कौन था, आमिर भाई के स्टंट्स एंड मोर। सो आई हैव ऑलरेडी रिएक्टेड ऑन वन ऑफ हिज वीडियो एंड ही स्पीक्स सो वेल, आई एम बिग फैन ऑफ हिम। मुझे इनका नाम प्रोनाउंस करने में अर्शन नासिर, या थोड़ी सी मुझे लगती है कि मैं कहीं प्रनाउंस गलत ना करूं, क्योंकि जब नाम गलत प्रनाउंस करते हैं तो सुनने वाले को अच्छा नहीं लगता जिसका नाम होता है ना, तो इसलिए मैं थोड़ी कॉन्शियस रहती हूँ नाम गलत प्रनाउंस करते हुए। सो चलिए, विदाउट एनी फर्दर एड्यू, लेट्स स्टार्ट, लेट्स प्ले। आज की वीडियो में मिलेगा पिछले 15 दिन में होने वाले कुछ अजीबोगरीब वाकयात का रिवाइंड, जिसमें सरे फहरिस्त हैं टिंडर हुआ पाकिस्तान में बैन, रसोड़ा क्या होता है और जन्नों की कुकर से तलाक क्यों हुई, आखिरकार कराची डूबते डूबते डूब ही गया, जॉन सीने का पाकिस्तान के किस कॉलेज में हुआ है एडमिशन, इसके अलावा और भी बहुत कुछ जो कि पूरी वीडियो देखने पर आपको मिल जाएगा। सुना है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो टेंडर बैन हो चुका है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर आखिर टेंडर था कब? मैं भी इतने सालों से लड़कियों को जो है वो इनबॉक्स के अंदर मैसेजेस भेजता रहा हूँ कि नाइस पिक डियर, या फिर वुड यू लाइक टू स्लिप जन्नत अंडर योर फीट फॉर माई किड्स। बड़ी खामोशी थी, तुम सब जो है वो टेंडर यूज़ कर रहे थे, अभी तक मुझे खबर भी नहीं होने दी तुम लोगों ने। बहुत अच्छा है, ऐसी वाहियात किस्म की जो वेबसाइट्स हैं इनको बैन कर देना चाहिए। वैसे सवाल मेरा ये है कि हमें क्या जरूरत है टेंडर की, हमने तो हर जगह भी टेंडर खोला हुआ है, बस स्टैंड यहाँ पे टेंडर है, रिक्शे के अंदर यहाँ पे टेंडर पन चल रहा होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर टेंडर पन चल रहा होता है, जो हमारे ऑफिस हैं, जो कॉलेजेस हैं, हर जगह के ऊपर तो टेंडर पन ही चल रहा है। और टेंडर ऐप तो ऐसे बैन की जैसे और किसी ऐप के ऊपर जो है ना इस किस्म की कोई हरकत हो ही नहीं रही होती। फेसबुक भी यही सब कुछ चल रहा होता है, इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसे पेजेस बने हुए हैं जिसके अंदर लड़कियों की जो है वो रोजाना जो है पिक्चर्स शेयर की जाती हैं, और नीचे जितने भी मर्द हजरात हैं वो नाइस पिक डियर और नाइस फीट और इस किस्म के कमेंट्स कर रहे होते हैं। इधर तो लिंक्डइन तक पे जो है वो टेंडर पन चल रहा है, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में जो है वो टेंडर पन चला हुआ होता है। आप वही कमेंट एक बंदा करेगा मासूम जो है उसको कोई लाइक नहीं मिलेगा, और वही कॉपी पेस्ट करके कोई खातून करेंगी ना तो वो टॉप कमेंट्स में आएगा, क्योंकि इनको ये लगता है कि वैसे तो हम छू नहीं सकते, तो वो जो डिजिटल कुर्बत है ना वो हासिल करने के लिए लाइक के बटन को जो है ना वो हम उंगली टच कर लें। इधर टिंडर की आखिर जरूरत क्या है, यहाँ पर तो पबजी के अंदर जो है वो टिंडर पन चल रहा होता है। मैंने मैं पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि लूडो के ऊपर जो है वो यही सब कुछ चल रहा होता है, रिश्ते तय हो रहे होते हैं, तो लड़कियां ढूंढी जा रही होती है प्लीज डोंट किल मी, और वहीं पे जो है बस वो समझते हैं कि ये तो बंदी तो सेट। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये बैन का कल्चर आखिर खत्म कब होगा। अगर किसी चीज को बैन करना है तो वो तो है हमारी आवाम, इसको ही बैन कर दो, जिसको जो भी चीज दी जाती है ना वो उसका पुट्ठा ही जो है वो एक तरीका निकालती है। बैन अगर करना है ना तो उन पेरेंट्स को बैन करें जो बच्चों पर बच्चे जो है वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको उनकी तरबियत करना नहीं आई। वो समझते हैं कि इनको खाना खिलाना या इनको स्कूल में भेजना ही इनकी तरबियत है, ऐसा कुछ भी नहीं। कहते हैं जी कि इमोरल किस्म की हरकतें हो रही थी इस ऐप के ऊपर, इसलिए जो है इसको बैन कर दिया गया। तो मुझे ये बताएं कि इमोरल हरकतें कहां पर नहीं हो रही, आपके टीवीज के ऊपर जो सुसर जो हैं वो अपनी बहू के ऊपर लाइनें मार रहे हैं, जो साली हैं वो अपने बहनोइयों को जो है वो फंसाने की कोशिश कर रही है, बॉस जो है वो अपने एम्प्लॉयज को फंसाने की कोशिश कर रहा है, ये सब कुछ इमोरल नहीं है? और अवाम भी इतनी काकी ना बने, क्योंकि रेटिंग आप लोग ही देते हैं इस किस्म के कॉन्टेंट को। मैं बता रहा हूँ, मैं 10 साल से इधर कॉन्टेंट बना रहा हूँ, और अभी वो टिकटॉक पर हिलती हुई जो कोई खातून होती है ना वो अगर आके यूट्यूब के ऊपर चैनल खोल ले तो 3 महीने के अंदर ना मेरे से ज्यादा सब्सक्राइबर्स उसके हो जाएंगे। मुझे तो लगता है किसी बंदा ना जिसके पास अथॉरिटी थी उसके साथ बड़ा ही बुरा किस्म का जो है ना एक्सपीरियंस हुआ टिंडर के ऊपर। उस बेचारे ने कोई लड़की फंसाई और वो जब उसके ऊपर डेट पे गया ना तो आगे से मर्द निकला जिसके ना जिस्म के अंग अंग से जो वो बाल निकल रहे। ये भी हो सकता है कि किसी वकील साहब की शान में गुस्ताखी हुई हो, क्योंकि मुगल जो है ना वो तो चले गए, लेकिन इधर हर ईंट के ऊपर भी एक मुगल ज्यादा बैठा हुआ है, और ईंट उठाओ ना तो नीचे से भी दो जो है ना मुगल आजम निकलते हैं। मोरल्स की जी बड़ी हमें फिक्र है, सब कुछ बैन हो जाएगा, सिर्फ इमोरल जो हरकतें हैं ना वो ही नहीं खत्म होगी। करप्शन यहाँ पर बैन नहीं होगी, मिलावट यहाँ पर बैन नहीं होगी, हराम इनकम यहाँ पर बैन नहीं होगी, रिश्वत यहाँ पर बैन नहीं होगी, सिफारिशों पर सिलेक्शन यहाँ पर बैन नहीं होगा, बिजनेस में प्रॉफिट के नाम पर लोगों को थुक लगाना जो है वो यहाँ पर बैन नहीं होगा, क्योंकि ये सब तो इमोरल है नहीं। सोसाइटी हमारी इतनी परफेक्ट है कि उसके अंदर जो थोड़ी बहुत गलतियां ना वो सिर्फ इन एप्लीकेशन पर ही रहेगी, जिनको फौरन जो है ना बैन करके खत्म कर देना चाहिए। भाई वैसे सब बातों की एक ही बात, अगर मुझे कोई पैसे भी देना तब भी मैं पाकिस्तान के अंदर टिंडर नहीं यूज करूंगा। यार यहाँ पर तो मस्जिदों के अंदर लोटे को जो है ना जंजीर से बांधा हुआ होता है, तो आपका क्या ख्याल है कि मैं किसी डेटिंग ऐप के ऊपर जो है वो मैं भरोसा कर लूंगा, वो भी पाकिस्तान के अंदर? ना भाई ना, हमसे ना हो पाएगा। जब से टिंडर बैन हुआ है मुल्क में इतनी खुशहाली आई है ना कि पहचाना नहीं जा रहा लोगों से। डॉलर जो है वो 12 रुपए का हो चुका है, और बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं ना वो पाकिस्तान में आके पढ़ने के लिए एडमिशन लेना शुरू हो गए। आप लोगों को लग रहा है कि मैं मजाक करूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज से कुछ दिन पहले इस्लामिया कॉलेज की जो मेरिट लिस्ट है ना वो पब्लिश हुई थी, और उसके अंदर ये 7वें नंबर के ऊपर देख लेंगे इसका नाम लिखा, जॉन सीना वर्ल्ड अंडरटेकर। भाई वाह, मतलब जॉन सीने की सारी की सारी ख्वाहिशात जो है ना वो पूरी हो गई। जब तुम सबको बोला गया था कि लोग जो है वो बाहर से आएंगे इस मुल्क के अंदर जो है पढ़ने के लिए, तो तुम सब हंस रहे थे ना तब। लेकिन खबर जब भी हमने जॉन सीना को दी ना, तो उसने जिम के अंदर बिन पानी के मछली की तरह तड़प तड़प के डांस किया।
तुम लोग सब ना वो ऑनलाइन क्लासेस ही कंप्लेन ही करते रहो, पढ़ना तुम लोगों ने है नहीं, और गोरे नहीं ये सब सीटें जो है वो जीत के जा रहे होंगे, यहाँ पर आके एडमिशन भी लेंगे, फिर नौकरियां भी लेंगे, फिर छोकरियां भी लेके चले गए। खैर, हम जॉन सीना वर्ल्ड अंडरटेकर को जो है वो पाकिस्तान आने पर और यहाँ पर एडमिशन लेने पर मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि वो छोटी निकरों वाली वो जो खातून रेसलर्स है ना वो भी इनके पीछे पीछे जो है वो इस्लामिया कॉलेज पेशावर के अंदर आएंगी। रीवाइंड की हर एपिसोड के अंदर मैं कराची के अंदर होने वाली बारिशों के ऊपर बात कर चुका हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में एक दिन की बारिश होना और वो पानी खड़ा रहे तो वो हमें हो गई है आदत। इस दफ़ा जो है वो थोड़ा एक दिन से ज़्यादा पानी खड़ा रहा है, तो इसलिए जो है ना लोगों ने थोड़ा सा एक्शन ले लिया और गवर्नमेंट ने भी जो है वो एक्शन ले। खैर, हर कोई जो है वो फेडरल गवर्नमेंट या फिर जो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनको जो है लानतान कर रहा होता है, लेकिन कोई इस बारे में बात करता ही नहीं कि वो जो इलीगल लैंड ग्रैबिंग होती है उन्होंने कितना नुकसान दिया है इस सिटी को। वो नाले जो इसी किस्म के मौकों के ऊपर पानी की निकासी के लिए बनाए गए थे उधर भी जो है सोसाइटी बन चुकी है, और ये सब जो माफिया है वो इस वक्त पीछे बैठ के जो है एंजॉय कर रहा है, बल्कि वो पाकिस्तान में रह ही नहीं रहे, वो बाहर ही सेटल्ड है। आधे से ज्यादा लैंड जो है उसके ऊपर घर बन चुके हैं, वो जो नाले थोड़े बहुत काम करने वाले थे वो भी गंदगी की वजह से बंद पड़े। काफी दुख होता है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर की ये हालत देख के, लेकिन हमारा तो काम ही यही है, आपस की बस पॉलिटिक्स में पड़े रहेंगे, और यहाँ पर काम कोई नहीं करता लेकिन मुंह के फायर हर किसी ने मार। अब ये भाई को देखो ये कर क्या रहे हैं, मेरी समझ से तो बालातर है। देख, अभी भी खासा जवान हूँ मैं भाई, देख लो कितनी देर सांस रोक लेता हूँ। भाई ने मौका नहीं छोड़ा अपनी जवानी की जो है ना गारंटी देने के लिए। लगता है पानी के अंदर डुबकियां मार मार के ना अपने किसी नए प्रोग्राम की जो रेटिंग्स है ना वो पानी के अंदर से नीचे से ना मुंह में पकड़ के बाहर निकाल रहा है। ये दिखाया जा रहा है कि भाई को बहुत दुख है हमारी आवाम का, उनके लिए जो ना ये भी ख्वार हो रहे हैं पानी के अंदर, जितनी भी इंतजामिया उसको भी बुरा भला कह रहे होते हैं। और अगर देखा जाए तो ये सर जो है ये सिटिंग गवर्नमेंट के मेंबर है, काम हो ना हो ड्रामा जो है ना वो पूरा होना चाहिए। पूरा दिन डुबकियां लगा लगा के ये थक जाते हैं, इसलिए रात को टॉक शोज होते हैं ना उसके अंदर ये भाई सो रहे होते हैं। ईरान है वो सरासर जो चीन का सीपैक वाला मामला है। सोल्यूशन क्या है कराची का, कैसे वहां के लोगों को सुकून में असर आ सकता है? आमिर लियाकत हुसैन साहब, पहले आप बताएं मुझे। शिट। जी चले, मैं पहले हफीजुल्लाह नई साहब, इसके इसी का जवाब आप दे दें सर मुझे। वफाक नहीं कहता कि हम बहुत सारे मामला हैं जिनमें अपना झाड़ू से पानी की सफाई कर रहे, बल्कि शायद झाड़ू की पानी से सफाई कर रहे। और जब आप एग्जाम में चीटिंग कर रहे होते हैं ना और टीचर आपको गौर से देखना शुरू हो जाए तो आप ना फौरन इस किस्म की एक्टिंग करना शुरू होते हैं कि मैं जहन पे बहुत जोर डाल रहा हूँ, मुझे इसका आंसर पता है लेकिन अभी बस दिमाग में आ नहीं रहा, और हंस भी रहे होते हैं कि यार दिस वाज सो इजी माइट। वही वाली ओवर एक्टिंग हो रही है इधर भी, जैसे ही कैमरा सामने आया तो कुछ समझ नहीं, बस झाड़ू मारना शुरू हो गया। वो ऑफिस के अंदर होता है ना कि आप पूरा दिन जो है वो अपनी स्क्रीन के ऊपर यूट्यूब की वीडियोस देख रहे होते हैं, जैसे ही बॉस आता है ना तो एक्सेल खोल के जो है वो परेशान होकर उसको देखना शुरू हो जाता है। ये झाड़ू है कि चप्पू है जिसको चला चला के ना सबने प्यार की कश्ती में लहरों की मस्ती बनाई। मेरा ख्याल में झाड़ू की मदद से वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जा रहा है ताकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो वो अलहदा हो जाए और बुखारात बन के ना उड़ जाए। खैर, एक तरफ अमीर लोग हैं जो कि इस सबको इंजॉय कर रहे हैं और दूसरी तरफ बेचारे गरीब लोग हैं जिनके लिए यही जो है सबसे बड़ा अजाब बना। दुनिया का असूल ही यही, जब अमीर लोगों को मसला होता है ना तो तभी वो मसला होता है, गरीब बेचारे तो 24 घंटे जो है वो ख्वार होते रहते हैं। जैसे कि कोरोना के केस भी हमने देख लिया था, हर बीमारी उनको आती है और वो बेचारे जो है मरते भी रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोरोना अमीरों को होना शुरू हुआ तो पूरी दुनिया जो है वो बंद हो गई। खैर, ऐसा नहीं है कि गरीबों ने जो है वो इस सलाब को एंजॉय नहीं किया, वो बेचारे तो इतने आदि हो गए कि वो हर चीज के अंदर एंजॉयमेंट ढूंढ लेते हैं। ये मेरी फेवरेट वीडियो है सलाब की, जिसमें ये बॉय जो है बुर्ज खलीफा से छलांगे मार के बैठा है पानी में, और इसको इस चीज का भी डर नहीं है कि नीचे सलाब के पानी में पता नहीं कार्स और खंबे और क्या कुछ चल रहे होते हैं। बॉय को मल्टीपल कैमरा से भी शूट किया गया है, यहाँ पे इनको वेट टी शर्ट कॉन्टेस्ट में भी देखा जा सकता है, जिसके अंदर भाई जो है वो अपने थन एक्सपोज करके गीली बुनैन में पाए गए हैं। और दलेरी की इंतहा ये है कि एक जान नहीं दो दो जाने लेके ये एडवेंचर कर रहे हैं इसके साथ। चलो खैर, इसमें भी अल्लाह की कोई भलाई होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो सारी बारिश आई है ना इसकी वजह से जो रहा सा कोरोना था ना वो भी धुल के निकल गया। वो एक ट्रेंड चला था अभी पिछले दिनों ही, जिसके अंदर एक रसोड़ा चने और कुकर जो है वो इन्वॉल्व थे। मतलब मैं भी लेम हूँ लेकिन क्या फनी था इसमें यार। और दूसरी बात मुझे ये समझ नहीं आती कि ये वीडियो क्लिप जो है वो वायरल हुआ था, ये वो जो बंदे ने गाना जो बनाया था वो वायरल हुआ है। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी, तो चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? हाँ, कौन था? मैं थी, तुम थी, कौन था? कौन था?
चलो हो गया वायरल यार माफ कर दो, अब जिधर भी जाओ ना उधर सिर्फ एक ही सवाल हो रहा है रसोड़े में जिस बंदे को कोई कॉमेडी नहीं आती ना उसको भी जो है ये जोक मिल चुका है और सब बड़ी खुशी से क्रैक भी कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि इनको माइक देना चाहिए, इनको स्टैंड अप कॉमेडियन बना देना चाहिए, इनको खड़ा करके कहें कि अब बोलो ये जोक रसोड़े में कौन था। जिधर जाओ हर एक ये पूछ रहे रसोड़े में कौन था यार आपके वालिद थे जिनको घर में कोई इज्जत नहीं देता इसलिए वो जो ना रसोड़े के अंदर रोते रोते सो जाते हैं। अच्छा सबको पता भी है, इसी क्लिप के अंदर ये साबित हो चुका है कि रसोड़े के अंदर राशि थी, लेकिन फिर भी पूछ रहे रसोड़े में कौन था। राशि से याद आया मुझे इस ट्रेंड के बारे में इस तरह पता चला कि मैंने हैशटैग राशि जो है उसको टॉप ट्रेंड्स के अंदर देखा तो मैं बड़ा खुश हुआ। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं ये बता दूं कि राशि जो है वो उर्दू में उस शख्स को कहते हैं जो रिश्वत के लेन देन में जो है इन्वॉल्व होता है। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि यार हमारी आवाम इतनी ज़्यादा वोक हो चुकी है कि उन्होंने रिश्वत जैसे एक इंपॉर्टेंट मसले को हाईलाइट करना शुरू कर दिया और उसके बारे में टॉप ट्रेंड्स भी बनाना शुरू कर दिए। वो तो पता चला जब मैंने उसको क्लिक किया तो क्या देखता हूँ कि इसके अंदर तो चन्नी और कुकर्स की बात हो रही है। प्रायोरिटीज़ भाई, वैसे मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि ये रसोड़ा क्या होता है, इतना खूबसूरत वर्ड था ये रसोई, ये रसोड़ा कब से बन गया भाई। वो हमारे घरेलू किस्म के ड्रामास होते थे उसके अंदर जब भी जो है हस्बैंड वो नौकरी से वापस आता है थक हार के तो बेगम उसको कहती थी कि आप नहा धो के फ्रेश हो जाएं, मैं रसोई के काम जो है ना वो पूरे करके आ जाती हूँ। तो हस्बैंड जो है ना वो उसको हाथ से पकड़ लेता था नॉटी तरीके से, कहता था वो कहती थी छोड़ दो। और प्रिय भाई ना ऐसे बेड के ऊपर पीछे अंगड़ाई लेके जो है ना मस्त अंदाज में कहते काश मैं तुम्हारी रसोई का पकौड़ा ही होता, बेसन की तरह तुम्हारे साथ किचन में तो होता। वैसे ऑन अ वेरी सीरियस नोट, चने निकाल के कुकर अगर आपने चूल्हे के ऊपर रख दिया तो यार ये तो बहुत बड़ा जो है अटेम्प्ट टू मर्डर है। ये तो कुकर फट जाए ना तो इंसान की भी फट जाती है। खैर पूरे क्लिप में एक बात किसी ने नोट ही नहीं की कि ये जो खातून है वो कह रही होती कि कल मेरी साड़ी के ऊपर जो जूस गिरा था तो मैं नहाने के लिए चली गई थी। भाई कितना जूस गिरा था तुम्हारे ऊपर कि तुम पूरा नहाने के लिए चली गई थी, भाई तुम साड़ी चेंज कर लेती। या तो फिर थोड़ा सा जूस गिरा लेकिन वो ऐसे अंदर घुस गया ना कि इनको डर लगना शुरू हो गया कि वो जो मक्खियां हैं वो ही कहीं इस शीरे और मीठे जूस के पीछे जो है घुसाना शुरू हो जाए। खैर रिवाइंड किया आज के इस एपिसोड को हम यहीं पर खत्म करते हैं और अगर आपको पसंद आना यार मुझे बड़ा मसला है जो लाइक का बटन है ना ये मेरे से इतनी बदतमीजी करता है, इसको रख के चमाट मारो और इसको नीला कर दो। और ये मैं अपनी शक्ल का पीले रंग का गोलू बना रहा हूँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको होंठों से छू और मेरा गीत अमर कर दो, मुझे पता भी नहीं चलेगा और मैं माइंड भी नहीं करता अगर मुझे पता चल गया, बस सब्सक्राइब कर दो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। He speaks so well guys, I don't know, मतलब बहुत ही, मतलब ये हल्की फुल्की कॉमेडी भी है इनकी वीडियो में और एनालिटिक वीडियो होती है और क्रिटिसिज्म भी होता है, क्रिटिक भी हैं ये, बहुत अच्छे क्रिटिक है। सो मुझे तो इनकी वीडियो बहुत पसंद आती है और बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बोली हैं कि मतलब लिटरली सबसे सरप्राइजिंग था वो जो वो बंदा था वो उस पे टॉक शो पे सो गया माई गॉड, और बाद में रिपोर्टर भी ऐसे कर रहे हैं और उसकी फोटो लगा दी उसके ऊपर बाद में एंड ही स्लीपिंग, ओ माई गॉड हाउ ऐसे कैसे कर सकते हैं लोग, एंड वो पानी में डूब के बोल रहा है कि मैं तो अभी भी जवान हूँ। बट ही टॉक सेंस यार, ही टॉक सेंस, आई एम वेरी इंप्रेस्ड द वे ही टॉक एंड जिस तरीके से वो मुद्दे को सामने रखते हैं। और वो वाला भी बहुत अच्छा था कि अगर कोई लड़की आ जाएगी यूट्यूब पे तो ये फैक्ट है यार, मतलब मैंने देखा है कि जहाँ पे थोड़ा सेंस वाली बात होती है वहाँ पे लोगों को नहीं अच्छा लगता है, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस आल्सो। जहाँ पे सुंदर लड़की हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक्स एंड एवरीथिंग होता है, यू नो बहुत ज़्यादा उसको व्यूज वगैरह मिल जाते हैं और बोल देते हैं। और टिंडर वाला तो बहुत ही अच्छा बोला उन्होंने, टिंडर बैन वाले पे बहुत ही अच्छा, मतलब मैं हर चीज़ तो रिपीट नहीं कर सकती हूँ बट इतने लॉजिकली बोला है ना, इतना अच्छा सरकास्टिक और मतलब सटायर मारा है ना चीज़ों पे कि टिंडर बैन करके क्या हो जाएगा। और पता नहीं पाकिस्तान इंडिया को क्या हो गया, बैन ही करी जा रहे हैं एप्लीकेशन, अभी पहले हमारे यहाँ चाइनीज एप्लीकेशन बैन हुई थी, अभी 118 एप्लीकेशन और बैन कर दी है, अब पता नहीं वो एप्लीकेशन चल भी रही है बैन भी हो गई है, समझ ही नहीं आ रहा। और हमारे तो यहाँ एक मीम चल रही थी, मतलब मैं भी खुद फील कर रही हूँ यार कि सारी चाइनीज आप बैन कर दो, बस एक शीन वापस दे दो, शीन के बंद होने का मुझे बड़ा दुख है, बहुत लोगों को दुख है, हम लोग जो फीमेल गर्ल्स फ्रेंड्स हैं जो आपस में बात करते हैं यार, शीन के बंद होने का मुझे बहुत दुख है, शीन नहीं बंद होनी चाहिए थी, बट बहुत अच्छी वेबसाइट थी वो शॉपिंग के लिए। सो और भी हैं पर उनपे आने में इतना टाइम लग जाता है, अगर
मतलब वो कई बार आता भी नहीं है शिपिंग से। खैर मैं अपने रोने रोने लगी हूँ ये वीडियो देखने के बाद। अमेजिंग वीडियो थी, इनके चैनल का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो डू सपोर्ट दी ओरिजिनल कंटेंट मेकर ऑल्सो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और रिएक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं वीडियो को। अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप ऑन सजेस्टिंग वीडियोज। आई विल डेफिनेटली मेक वीडियोज ऑन योर सजेशंस एंड Yeah, that's it for this video. I take your leave now. I see you in my next video. Tab tak apna bahut khayal rakhiye. So take care. Bye-bye. Signing off.